बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरीड के फ़ायदे और हरीड का मुरब्बा बनाने का तरीका। हरीड का मुरब्बा अच्छी सेहत की दलील है, ख़ास तौर पर बड़ी उम्र के लोगों के लिए और जचगी के बाद ख़वातीन के लिए तो ये मुरब्बा बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। जोड़ों के दर्द, हाजमे की खराबी, मेदे की कमज़ोरी, दिमागी ज़ोफ जैसी बीमारियों का इलाज है। इसको बनाने के लिए अज्जा नोट फरमा लें। हरीड 1 किलो, चीनी 1.5 किलो, सब्ज़ इलायची 10 से 12 अदद, रूह क्योड़ा 50 ग्राम। हरीड़ें अच्छी तरह साफ़ करके पानी में भिगो दें और 3 से 4 दिन तक उनको यूं ही भिगोया रहने दें। इस तरीके से ये बिल्कुल नरम हो जाएंगी। उसके बाद उनका पानी निकाल दें और दूसरे बर्तन में नया पानी डालकर पकाएं। जब पानी को उबाल आ जाए तो ये हरीड़ें उबलते हुए पानी में डाल दें और आंच बिल्कुल हल्की कर दें। 15 मिनट तक पकाएं। जब पानी की नमी ख़त्म हो जाए तो निकाल कर साफ कपड़े पर रखते जाएं। जब सारी चिकनाहट कपड़े में जज्ब हो जाए तो हरीड़ें खुश्क हो जाएंगी। तो उसके बाद चीनी से चाशनी तैयार कर लें, फिर हरीड़ें चाशनी में डाल दें, चंद मिनट तक मज़ीद पकाएं और फिर सब्ज़ इलायची और रूह क्योड़ा उसमें डाल दें। जब चाशनी ठीक से पक जाए तो आग से उतार कर ठंडा होने दें, फिर मर्तबान में डालकर महफूज कर लें। रात को सोने से पहले दूध के साथ तकरीबन 30 ग्राम रोज़ाना खाएं और इस बंदा फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।